सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, व्हाट्सअप तो आप सभी लोग यूज़ करते होंगे। तो दोस्तों, वहाँ पे आपने देखा होगा एक लास्ट इन का ऑप्शन। जैसे दोस्तों, अगर आप किसी के भी इनबॉक्स में जाते हो तो दोस्तों वहाँ पे वो कब ऑनलाइन आया था और कब ऑफलाइन गया था तो आपको वहाँ पे लास्ट इन ऊपर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप अपना लास्ट इन हाइड करना चाहते हो तो कैसे हाइड कर सकते हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप अपने व्हाट्सअप के लास्ट इन को हाइड कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर आप न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, इसके लिए आपको अपने एप्लीकेशन पे जाना है। एंड दोस्तों, एप्लीकेशन पे जाने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करना है। एंड दोस्तों, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है। एंड दोस्तों, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अकाउंट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको यहाँ पे अकाउंट पे और क्लिक करना है। एंड दोस्तों, अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा प्राइवेसी, तो आपको यहाँ पे प्राइवेसी पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा लास्ट इन का एक ऑप्शन। तो सिंपली आपको यहाँ पे लास्ट सीन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ऐसे दोस्तों, लास्ट सीन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे तीन सेटिंग्स देखने को मिलेंगी, जिसमें कि हमारी पहली सेटिंग है एवरीवन, यानी कि अगर आपके व्हाट्सअप पर जितने सारे लोग होंगे वो सभी आपके लास्ट सीन को देख पाएंगे। ऐसे दोस्तों, यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन देखने को मिला है हमको माई कॉन्टैक्ट का, तो यहाँ पे आपके जो भी कॉन्टैक्ट में लोग होंगे सिर्फ वही आपके लास्ट सीन को देख पाएंगे। ऐसे दोस्तों, यहाँ पे हमको थर्ड ऑप्शन मिलता है नोबडी, तो अगर आप नोबडी पे सिलेक्ट करते हो तो आपके लास्ट सीन को कोई भी नहीं देख पाएगा। इस तरीके से आप अपने लास्ट सीन को हाइड कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने आपसे एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।